हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ नीदरलैंड वर्क वीजा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीदरलैंड के 30% टैक्स रूलिंग के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक रिवाइज हो गया है 2024 जनवरी से। सो बेसिकली पहले आप 30% टैक्स फ्री वहाँ पे रह के काम कर लेते थे, और अब कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई है। सो आगे हम इस पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज 30% टैक्स रूलिंग। सो बिफोर 2024 जितने भी लोग नीदरलैंड्स में रह के काम करते थे, वो अप टू 5 ईयर्स तक उनकी जितनी भी सैलरी होती थी उसमें 70% पे ही वो टैक्स पे करते थे, और 30% सैलरी वो ऐसे ही टैक्स फ्री पे अर्न करते थे अप टू 5 ईयर्स तक। एंड 2024 से जो ये रूल था ये चेंज हो गया है। अब से ऐसा होगा, जैसे कि मैंने बात करी 5 ईयर्स की, तो इस अकॉर्डिंग 5 ईयर्स में हम बात करेंगे 16 मंथ्स के लिए। तो अब ये होने वाला है कि इनिशियली 20 मंथ्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर आप काम करते हैं नीदरलैंड्स में रहते हुए, तो इनिशियल 20 मंथ्स में आपकी जो टैक्स फ्री सैलरी होगी वो 30% ही रहेगी, जैसे कि पहले होती थी। बट नेक्स्ट 20 मंथ्स में आपकी जो सैलरी रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी 20%, एंड आगे उसके नेक्स्ट 20 मंथ्स में ओनली 10% सैलरी ही टैक्स फ्री होने वाली है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि 2024 से पहले जो लोग वहाँ रह के वर्क कर रहे, उनको कौन से पैटर्न पे टैक्स पे करना होगा। सो बेसिकली जो ऑलरेडी 2024 से पहले वहाँ रह के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो 30% टैक्स रूलिंग सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा अनटिल 2026 तक। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस विद सर्टन एग्जाम्पल्स। सपोज आप काम कर रहे हैं नीदरलैंड्स में 2019 से, इन दैट केस आपका जो टैक्स स्लैब वाला रेशो रहेगा वो 30% टैक्स फ्री वाला रेशो रहेगा। सो होने ये वाला है, अगर आपने तब से ही काम कर रहे हैं तो 2024 तक आपके 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे। इस अकॉर्डिंग 2019 में जो भी हायर हुआ है, जो भी वहाँ रह के काम कर रहे हैं, उन्हें 2024 तक 30% सैलरी जो रहेगी वो टैक्स फ्री ही उनकी रहेगी, उन्हें 70% सैलरी पे ही टैक्स पे करना होगा। उनके लिए कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। पुराने लोगों के लिए जो रूल था 5 ईयर्स वाला, उन्हें उसी तरह से अकॉर्डिंगली ही काम करना है, और वही रूल उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। अब अगर बात करें कि जो लास्ट ईयर ही वहाँ पर गए, दैट मीन्स 2023 में जो वहाँ गए हैं और वो जो काम करना उन्होंने स्टार्ट करा है, तो उनके लिए भी रूल तो वही था कि 30% टैक्स रूलिंग सिस्टम पे उन्हें काम करना शुरू किया था। तो उनके लिए ये चीज़ें रहने वाली है, उन्हें आगे जाके 2026 तक 70% पे ही टैक्स पे करना होगा, और 2026 तक वो 30% टैक्स फ्री बेनिफिट ले सकते हैं। सो अगर आप नीदरलैंड्स में 2024 से काम करना शुरू कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग 30% रूलिंग टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है टैक्स, वो 30% सैलरी पे तो फ्री रहने वाला है, और 70% पे टैक्स पे करना होगा। तो ये चीज़ें 2025 तक रहेगी, अगस्त 2025 तक आपको 70% सैलरी पे टैक्स पे करना होगा। एंड उसके बाद सितंबर 2025 से मई 2027 तक 80% सैलरी पे आपको टैक्स पे करना होगा, एंड 20% सैलरी आपकी टैक्स फ्री होगी। आफ्टर दैट जून 2027 से फरवरी 2029 तक आपको सैलरी के 90% पे टैक्स पे करना होगा, और आपकी ओनली 10% सैलरी ही टैक्स फ्री होगी। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू विदेश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।